इकडे भी ते झाडाला राहत आपण मी काय सांगा काही लिंबडा वाटले तुम्ही आणल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों अब मैं अपने वक्ता के रूप में ओडिशा से बिंदु सोरेन जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ।
बिंदु सरन जी ओडिशा से जहां गई थी वो आइए बिंदु सरन जी ओडिशा से बिंदु सरन जी यहां पर नहीं है तो मैं अगले वक्ता के लिए गोवा से रविंद्र वेलापी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं गोवा राज्य से रविंद्र वेलापी जी सभी वक्ता समय का ध्यान रखें समय अभी हो चुका है सभी वक्ताओं को समय अपने समय सीमा है जो 5 मिनट 6 मिनट के अंतर्गत ही अपनी बात रखें नमस्ते जय जवाहर जय आदिवासी जी मेरा नाम रविंद्र वेलिप है तो रविंद्र वेलिप है मेरा नाम तो मैं सुबह से यहाँ पे बैठा हुआ सुनता आ रहा हूँ कि हम लोग लड़ेंगे जीतेंगे पर कैसे मेरा तो प्रश्न है आप लोगों से कैसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे क्या हम लोग संगठित हैं क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो हमारे आदिवासी तो आज के दिन में शिक्षित तो है क्या हम लोग संगठित है क्योंकि जब भी हम लोग संगठित हो पाएंगे तभी हम कर पाएंगे और हम मेरा तो कहना है कि हम तो युवाओं में तो अलग सी ताकत रहती है उनका ऐसा कहा जाता है कि युवाओं का जितना जो भी खून है पूरा गर्म होता है क्या ये गर्म खून भी कभी खोलता है क्या